अस्सलाम वालेकुम। भाई जी, अभी यहाँ से इंटरस्टाइनल पार्ट का जो कर्तव्य जो हम खत्म किए थे, फिर वहाँ से जो इंटेस्टाइन का या इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स जो है वहाँ से हम उसको स्टार्टअप लेंगे। इसके लिए थोड़ा सा मैं बेसिक चीज बताना चाहूंगा इसकी। थोड़ा सा हमारे पास जो मिजाज और अखलाक का तसव्वुर है, हर बीमारी में या कोई छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो। आवाज आ रही है ना मेरी बराबर? जी जी सर, जी सर, बढ़िया। थैंक यू। तो यूनानी मेडिसिन का जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है वो मिजाज है और अखलाक है। तो हम अमराज ए आंत यानी इंटेस्टाइन्स का जो भी डिसऑर्डर्स हम देखते हैं उसको भी इसी के तहत हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यूनानी मेडिसिन के अंदर इंटेस्टाइन का भी एक टेम्परामेंट होता है, एक मिजाज होता है। यहाँ पे चारों कैफियत पाई जाती है, गर्मी, सर्दी, ठंडी या खुश्की, हार, बारिश, रतब या बिस। कभी कभी दो मिजाज भी होते हैं इसके साथ साथ, हार रतब भी होता है, बारिश रतब भी होता है, या बारिश या बिस भी होता है। जो भी है बहरहाल, तो उसके डिसऑर्डर्स के हिसाब से उसकी कैफियत को हम मद्देनजर रखते हैं, इसको इलाज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर डियोडिनम एंड जेजेनम है, वो एक लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। तो यहाँ का जो मिजाज है थोड़ा सा गर्म होगा, बजाय इलियम और दूसरे पार्ट जो है वहाँ पे थोड़ी सी सर्दी मिलेगी। और जाहिर सी बात है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहाँ से रुतुबी कैफियत थोड़ी सी मिलेगी और लार्ज इंटेस्टाइन में खुश्की मिलेगी। यहाँ पे जो हम अखलाक को लेते हैं, दम बलगम सफरा सौदा, दम भी कैफियत यानी कि ब्लड सप्लाई जो होती है यहाँ पे न्यूट्रिशनल या अब्जॉर्प्शन या दूसरे कोई एंजाइम्स होते हैं उसको रिलेट करता है। बलगम जो है वो जाहिर सी बात है म्यूकस यानी कि हल्का सा तपई बलगम को पैदा करना, यहाँ पे इसका रोल है। सफरा जाहिर सी बात है हाजमे के लिए सफरे का दखल बहुत जरूरी है, और उसी मुनासिबत से सौदा जो है वो कुव्वते दाखिया यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो हेल्थ का आखिरी जुज है उसको निकालने की यानी के उसकी कुव्वत को निकालने के लिए ये सौदे का दखल है। यहाँ पे अगर ये इन कैफियत में या इन अखलाक में अगर ऊंच नीच है तो हम बीमारियों को तसव्वुर करते हैं, जैसे कुव्वत हाजमा है या कुव्वत जाजिमा है, जाजिबा है, मासिका है, दाफिया है। तो यहाँ पे भी इन कुव्वतों का दखल है। उमूमन देखा गया कि इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में भी जो बीमारियां होती हैं या यहाँ की जो तेल और इंतियाली कैफियत जो होती है वो रिजा के ऊपर डिपेंड है और अपने आसपास का माहौल, असबाबी सित्ता जरूरी है जो हम बोलते हैं, वो बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि आसपास का माहौल जो है, जैसा सीजन है गर्मी है या बरसात है या कोई और सीजन है जिसके अंदर भी इसमें कोई अमराज मुतासर करते रहते हैं। और कुव्वत नफसानिया का भी बहुत बड़ा दखल है कि इसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे बयान करते हैं इसको। तो इस कैफियत को या इन अखलाती कैफियत को मद्देनजर रखते हुए हिस्ट्री टेकिंग में हम इसको शामिल अगर कर लें तो हमको इलाज मौलिजा के अंदर काफी मदद मिलती है, काफी मददगार साबित होता है इसके अंदर। इसके जो कुछ बेसिक टिप्स है जो हम डे टू डे प्रैक्टिस में लाते हैं कि इंटेस्टाइन के कौन से डिसऑर्डर्स में हमको कैसा इलाज करना चाहिए, ये बड़ा
थोड़ा सा क्रूशियल रोल भी होता है यहाँ पे, क्योंकि मरीज कभी कुछ इसके अंदर हिस्ट्री देते रहता है। तो सबसे बेहतरीन चीज जो अमा के जो इलाज में हम देखते हैं, वहाँ पे पलायन करना और वहाँ से मुश्किलात को लेना या कोई दूसरे तदाबीर का अख्तियार करना, ये बड़ा बड़ा यानी कि बहुत बड़ा टॉपिक पे इसको लिखा गया है, यानी कि मुसील और मुलयन का जो हमारे पास तस्वुर है। क्योंकि तलयन का जो अमल है, जिसको हम इजी लैंग्वेज में मुलयनात भी कहते हैं, तो सिर्फ मैदे और आंतों का यहाँ का जो फुजला है वो खारिज करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मुंजिज हम लीस्ट एक्टिविटी में देते हैं, तलयन ज्यादा भी दे सकते हैं कि जब तक मरीज की तबीयत में फर्क महसूस ना हो। ज्यादातर हम मुश्किलात को ज़ईफ़ लोगों में या बच्चों में या कोई प्रेगनेंसी में या कोई और ऐसी कुव्वत जो ज़ईफ़ हो रही है तो वहाँ पे इस्तेमाल करना मना रखा गया। इसके बजाय हम मामूली दवाओं से यहाँ पे कलयन करते हैं, जहाँ से फुजले को बाहर किया जाता है। इसके अंदर हुक्नों का भी बड़ा रोल है, कि हुक्ना सिंपल भी है या हावी भी है या हुक्ना फैज़ाई भी है। तो सिंपल सी बात है, बेसिक तौर पे हम 100 पॉटर एनिमा देते हैं, ज्यादा जो फुजला अगर खुश हो गया है जहाँ पे हमको अगर देना है तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं। बाद जगह शियाफ का भी दखल है, बाद जगह इसको लिखा गया है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक डिसऑर्डर को लेते हैं कि इन बीमारियों में कैसे इसको इलाज किया जाता है। सबसे अव्वल जो कॉमन प्रैक्टिस में हम देखते हैं डिसेंट्री, यानी कि जहीर जिसको कहते हैं, आम जबान में इसको पेचिश भी कहते हैं। इसहाल अलग चीज है, पेचिश अलग चीज है, डायरिया एंड डिसेंट्री। डायरिया का तो कॉन्सेप्ट मालूम ही है सब लोगों को, इसके अंदर लूज स्टूल्स होते हैं, जबकि डिसेंट्री के अंदर स्मॉल स्टूल्स फ्रीक्वेंटली विद पेन, ब्लीडिंग पर रेक्टम और म्यूकॉइड या म्यूकस स्टेन विद ब्लड, ये कैफियत देती है, तो इसको हम जहीर कहते हैं। तो यहाँ पे इलाज करने से पहले हम इसको हल्के से या तो मुलैना देंगे या तो या तलाइन करेंगे यहाँ से माथे का। तो ये हो गया जहीर, यानी कि पेचिश, इसको मग्ज भी कहते हैं, जो भगोड़े के साथ होता है। यहाँ पे अगर मरीज को अक्यूट हिस्ट्री है तो सबसे पहले हम इसको हल्के से मुशरा जैसा रोहन एरंडी है या बनफ्शा है, इसको देके हम इसको माथे का वहां से कनेक्शन करेंगे। जब लगा कि मरीज को पेन अपडामन नहीं है और अपने आप को हल्का महसूस कर रहा है, तब हम उसको कुछ ऐसे हल्के काबिज दवाएं देंगे जो उसको मरीज को इफाफा बनने में मदद करें, जैसे शरबत बनफ्शा है या शरबत हबुलास है या हब्बे पेच है, शरबत इंजबार है अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, या तो गिजा के ऊपर भी इसको हल्की फुल्की गिजा के अंदर इसको शामिल किया गया। यहाँ पे मैं जिसको रूटीन प्रैक्टिस में इस्तेमाल कराता हूँ, शरबत इंजबार, शरबत हबुलास और शरबत नारिन, इस वजह से कि अगर इसके अंदर मरीज को सफावी कैफियत मिलेगी या मिलती है कि हल्की सी जलन होगी या न्यूक्टल इरिटेशन होगा या कहीं कॉलोनिक पर अपना अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे इसको, या हल्का सा कहीं टेंडरनेस अगर मिल रहा है इंटेस्टाइन के आसपास, तो वहाँ पे हल्की से हाजिम गिजाएं भी इसको इस्तेमाल करा सकते हैं, जैसे सुकुफ हाजिम है या सुकुफ इस्लाह जिगर है या अब्दुल कशूर है या सुकुफ चुटकी है, इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अंदर लुआबदार दवाओं का बड़ा रोल है, जहाँ पे अगर क्रोनिक डिसेंट्री में अगर आ रहा है तो वहाँ पे लुआबदार दवाएं देना चाहिए, और लुआबदार दवाओं में इंटेस्टाइन का म्यूकोसा जो है वो ज़्यादा मुतासर नहीं होगा, जबकि उसकी जो कैफियत है म्यूकस इंटरनल जो
लेयर है इंटेस्टाइन के, जहाँ से म्यूकस निकलता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए इसको लिया जाता है। जैसा मॉडर्न मेडिसिन में हम प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कराते हैं, सिंपल तो ज्यादातर आज जो चलन है, जहीर काजिब जिसको हम कहते हैं, यानी कि क्रोनिक डिसऑर्डर के अंदर इसको इस्तेमाल कराते हैं, लुआबदार दवाएं। इसके अंदर हम जो चार तुकम का जो है हमारे पास, तुकम तनोचा है, तुकम खत्मी वगैरह है, तो सुरूफ है मुगलिया सा, जो हम इसको इस्तेमाल कराते हैं इसके अंदर। अगर ज्यादा इरिटेशन अगर है यहाँ पे, तो खसखस के मरकबा के इस्तेमाल कराते हैं, बाद खमीरा खसखस है या शरबत खसखस है। बनफशा का बड़ा अच्छा रोल है इसके अंदर। हाँ, अगर ये बात आ रही है कि मरीज को जिगर की कैफियत भी अगर मिल रही है, अगर हरारत जिगर बढ़ी हुई है, तो वहाँ देखते हुए हम इसको शरबत अंजवार भी देते हैं, जो दोनों भी काम करती है, डुबल एक्टिव हरारत जिगर को भी काम करती है और यहाँ पे इंटेस्टाइन पे हल्का सा काबिज असर भी रखती है। ये होगा डिसेंट्री के बारे में। अब आते हैं हम इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, जिसको आईबीएस भी कहते हैं, जो एक आम बीमारी है और इसको बाज जगह लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में भी इसको रखा गया है। जैसे ही मरीज इसमें खिजा आंखों में आती है, तो वहाँ की जो सेंसिटिविटी है, वहाँ का जो फॉल्ट है, वहाँ पे इरिटेशन ज़्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से कुव्वत दाखिला का अमल तेज़ होता है और कुछ कुछ जगह वहाँ पे अल्सरेशंस भी होती हैं, जो जाहिर सी बात है, जहाँ पे अल्सर होगा तो नर्वस पेन भी ज़्यादा होगा, पैथोफिजियोलॉजी सबको मालूम है। तो हिजा के साथ साथ कभी कभी इसके साथ कोई और पार्टिकल्स, यानी कि म्यूकस पार्टिकल्स है या इनडाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स भी है, वहाँ से निकलते हैं, जो हिजा हजम नहीं होगी वहाँ से निकाला जाता है। तबीयत का ये फित्री एक तकाजा है, जो बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए ये एक इसका कार्डिनल फीचर है, कार्डिनल साइन है। अभी कुछ कुछ जगह इसको रूटीन भी जो इन्वेस्टिगेशंस किया जाता है मॉडर्न मेडिसिन के अंदर, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं हम, वहाँ तक अभी तक इसका मुकम्मल तौर पे इसकी तशखीस नहीं हो पा रही है कि इरिटेबल बोवल सिंड्रोम का असल एक्चुअल कॉज क्या है। तिब्बे यूनानी के अंदर इसको गजाई जमरे में रखा गया है, कि जो गजा का आम चलन है, गजाई कैफियत जो होती है खाने के बाद, जो हड्डी गजा का हमारे पास कॉन्सेप्ट है, या केलुस और केमुस का जो कॉन्सेप्ट है, जो हजम हो रहा है जो हजम नहीं हो रहा है, तो वो कुव्वतों के अंदर इसको शामिल किया गया है। इसको बाद जगह नफसियाती बीमारी भी कहा गया है, क्योंकि एक किस्म की नफ्स का भी दखल है इसके अंदर, कि मरीज बार बार अपने आप को इस साइनम सिम्टम से डालते हुए अपने आप को नफसियाती शिकार भी, मतलब उसके वो अपने अंदर होता है, कि एक फैक्टर होता है कि अपने आप को मरीज उसी के अंदर घुमा रहता है, कि भाई ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कि उसी के तौर पर उसको कुव्वत नफ्स जो है वो भी मुतासिर होती है। जाहिर सी बात है, उसका असर मेदे पे होगा और मेदे से इंटेस्टाइन पे होगा, और कुव्वत वहाँ की जो है उसको दफा करने में या खारिज करने में मदद करेगी। उमूमन इसकी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर के लार्ज इंटेस्टाइन तक का जो पार्ट है, जो यहाँ की कुव्वत को एडजस्ट करने के लिए, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे हरकत दूरिया भी होती रहती है और उसके अंदर गजाई मादे जो है वो जज्ब होना या ना होना, वो सब कहते थे होते रहते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके पता कर लेते हैं कि कोलोनोस्कोपी है या सिग्मोडोस्कोपी है, या बेरियल मिरर एक्सरे है, या अपर जी आई एंडोस्कोपी है। तो हम अगर इसकी अगर इटियोलॉजिकल फैक्टर्स को अगर हम देखें, तो पता चलता है कि हम इसको इलाज कहाँ पे, कौन सी चीज़ पे कैसे किया जाता है, वो हम उसकी कैफियत को मद्देनजर रखते हुए इलाज करते हैं। अगर हाजमा खराब है, फ्लैक्टस है, फ्लैक्सुलेंस है,
या कोई वर्मी कैफियत उतनी नहीं हुई जितनी होने वाली है कि मरीज एक स्टेज में अगर आ रहा है तो उसके हिसाब से हम माजून नानफा है, शरबत दिलगिरी है, या शरबत हबुलास है, या कभी कभी लौट कर रहा है जैसा पत्नी है या बांधता है या मेथी, इसका जुलाल हम इसको इस्तेमाल कराते हैं, लुआब निकाल के इसको इस्तेमाल कराते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो रही है या अगर लग रहा है कि यहाँ अपर ब्लड है या कुछ आ रहा है या स्कूल रूटीन कराने के ऊपर आपको पता चलेगा कि अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो उस आंत को कुवत देने के लिए हम ऐसी दवाएं इस्तेमाल करेंगे जो मेरे को भी जरा नहीं होगा और आंतों को भी जरा नहीं होगा, हल्की काफी दवाएं इस्तेमाल कराएंगे। जैसे कुछ दिन के बाद हाजमे की इसलाह करने के बाद हम इसको माजून समझाना मुर्ख, शरबत जवाब या शरबत हबुलास, इसको हम इस्तेमाल कराते हैं। अगर इंटेस्टाइनल टीबी के सिम्टम्स अगर मिल रहे हैं तो इलाज वही होगा जो ट्यूबरकुलोसिस में आम तौर पे यूनानी के अंदर दवाएं जो इस्तेमाल की जाती हैं, उससे सरतान है इसका बड़ा अच्छा रोल है। जो मैंने पर्सनली देखा हूँ कि इंटेस्टाइनल टीबी के अंदर उससे सरतान का बड़ा अच्छा रोल है शरबत हबुलास के साथ और माजून संधारा मुर्ग। कभी कभी हम इसको जवारी से मस्तकी भी चलाते हैं, जवारी से मस्तकी बरुस्वा कला आता है, जवारी से मस्तकी नॉर्मली भी मिलती है जो सिंपल है, बरुस्वा कला के अंदर अज्जा ज्यादा है तो वो हम इसको इस्तेमाल कराते हैं। एक और इसकी खास दवा है जिसको हम खुरसे मार के बसन कहा जाता है, कई कुश्तों के साथ इसको तैयार किया जाता है, वो भी हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। कि जैसे 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 आपके पास पेशेंट आएगा वैसे वैसे हम इसको दवाओं को जोड़ने जोड़ने का सिलसिला रखते हैं इसके अंदर कि कौन सी दवा इसको कब जरूरत पड़ रही है। खुर से तबाशिर का भी इसके अंदर बड़ा अच्छा रोल है, जवारी से तबाशिर का भी अच्छा रोल है। तो ज्यादातर आंतों को कुछ वहाँ की कैफियत है उसको दूर करने के बाद फौरन इसको तकलीफ देने की कोशिश की जाए तो बड़ा अच्छा रिजल्ट इसको मिलता है। तो जितने दवाएं मैंने बताया हूँ कि उसको इसी के अंदर कमरे में रखा गया है तो इसी को इसको इस्तेमाल किया जाता है रूटीनली। उसके बाद आता है हम डायरिया, जिसको हम आम जबान में इसहाल भी कहते हैं। ये तो पॉजिटिव फैक्टर सबको मालूम है, रोटावायरस डायरिया है जिसके अंदर सफेद कलर के स्टूल होते हैं, इसहाल माई जिसको हम कहते हैं उसको रोटावायरल डायरिया कहा जाता है मॉडर्न मेडिसिन में। जो सिंपल डायरिया है वो या तो बैक्टीरियल होगा या तो कोई और वजह होगी। जो मरीज को फुजला आ रहा है यानी स्टूल पास हो रहा है, एक तो स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन हो गया और एक तो डायरेक्ट आई एग्जामिनेशन हो गया कि भाई जिसको हम आइनुल नजर भी कहते हैं, जो नजरिया आंखों से देखते हैं, तो उसका बड़ा अच्छा आसानी से समझ में आता है कि हाँ भाई बराज की कैफियत क्या थी, बराज का फिवाम कैसा था और बराज की मकदार कितनी थी। ये सब चीजें मायने रखती हैं, यानी कि बोलते हैं यार अभी पुराने जमाने का ही इलाज होगा वैसे होगा, जितना भी साइंस एडवांसमेंट आए हमको इलाज वही सक्सेस होगा जो हम इनको इलाज बिल कैफियत से हम इसको देखते हैं। इसके अंदर कुछ कैफियतें पाई जाती है जो गिजा से रिलेटेड है। ये कभी कभी ऐसा होता है कि मेदे का जोफ की वजह से गिजा पेट में नहीं ठहरती, फौरन इसको तबीयत बाहर करना चाहती है, यानी कि हजम होने नहीं देती, जिसकी वजह से डायरिया होने लगता है, यानी कि कुछ पार्टिकल डाइजेस्ट होते हैं कुछ पार्टिकल डाइजेस्ट नहीं होते। बाज अवकात इसे देखने को मिलता है कि कुछ टाइम के लिए मरीज कुछ हल्की फुल्की गिजा चेंज करता है तो आप देखते होंगे कि कुछ दिन के लिए ठीक हुआ उसके बाद फिर दोबारा वही कैफियत हो गई। तो जब मरीज अगर बार बार ये आ रहा है कि भाई कोई दवाई मैंने नहीं लिया डॉक्टर साहब लेकिन मुझे लूज स्टूल्स हो रहे हैं कि बार बार हो रहे हैं, तो हम उसको हल्के से एरेजो गैस्ट्राइटिस या इंटेस्टाइनल इरिटेशन या इंटेस्टाइनल अल्सर के तहत इसको शामिल कर सकते हैं कि वहाँ पे कुछ हो रहा है जिसकी वजह से इरिटेशन हो रहा है इसको, जिसकी वजह से इसको लूज स्टूल्स या वाटरी डायरिया हो रहा है। उमूमन ये देखा गया है।
तो जो आदमी जिस गिजा के ऊपर डिपेंडेंट है वही उसको अमराज होंगे, ये बहुत इसको जहन नशीन कर लेना चाहिए कि इसको गिजा के ऊपर ज्यादा फोकस करें। जैसे इरिटेबल बोल सिंड्रोम में, जैसा कि मैंने कहा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसके अंदर जो फिशा होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे खराश होना, जिसकी वजह से जल्द जल्द इसहाल की शिकायत होना, जो अभी मैंने कहा यहाँ पे भी गिजा की बेहतदाली है, वहाँ पे भी गिजा की बेहतदाली है, और कई चीज़ें न्यूट्रिटिव फैक्टर्स को मॉडर्न मेडिसिन जैसा मालअडॉप्शन सिंड्रोम के लिए, या कोई न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, स्क्रू है, और उसको इसको करा दें। तो नॉर्मली आप देखेंगे हम इसको रूटीन एग्जामिनेशन करें, स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन किया जाए, तो इसके अंदर आपको कई चीज़ें आपके सामने जाहिर होंगी। मरीज अगर झूठ भी बोलेगा तो मरीज का जो फिल्ट है, जो फिल्ट गालिब आ रहा है, उसका भी उसके अंदर तसव्वुर मिलेगा। पीएच वैल्यू से आप लगा सकते हैं अंदाजा कि इसको एसिड की तरफ जा रहा है या अल्कलाइन की तरफ जा रहा है, या हरारत या बुरूदत, यहीं से आपको मालूम पड़ेगी। या उसके अंदर अनडाइजेस्टेड पार्टिकल अगर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जोफेमिले का इलाज करेंगे, या बहुत ज्यादा अगर उसके अंदर पैथोलॉजिकल कंडीशन में हम अगर उसको देखेंगे तो ज्यादा आ रहा है तो उसके अंदर हम लोअर इंटेस्टाइन या अपर इंटेस्टाइन या मिडिल इंटेस्टाइन का जो भी डिसऑर्डर है उसको कह के उसको हम वहां पे इलाज करेंगे। तो इसका जो उसूल इलाज होगा, तो एकदम बहुत ज्यादा खाबिज दवाओं को या बहुत ज्यादा इरिटेशन करने वाली गिजाओं को या दवाओं को रोकना चाहिए। सबसे बेहतरीन जो आईबीएस के अंदर देखा गया है वो जॉब से रिलेटेड है, जो दिमागी तवाजुन या जो हद से ज़्यादा दिमागी काम करते हैं उनको ये नफसियाती मर्ज लाना होता है, या ज़्यादा बच्चे जो आजकल देखा गया है एडीएचडी का शिकार है उनको भी ज़्यादा हो रहा है कि बच्चा स्कूल रेडी होगा, तैयार होगा कि फ़ौरन फिर भागेगा बाथरूम वॉशरूम की तरफ, फिर फारिग होगा, फिर आएगा, फिर क्लास में डिस्टर्बेंस करेगा, तो ये सब चीज़ें देखने में पता चलता है कि हाँ भाई इसको ये चीज़ होता है। अगर इसको अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन या मेदे के अंदर अगर लग रहा है कि हाँ इसको अपर पार्ट में अगर कोई दिक्कत है या कहीं इसके साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हल्के काबिज दवाएं या इसके अंदर कुछ जिमाद है उस जिमाद को भी इसको शामिल किया जाता है। काबिज दवाओं का जिमाद, जिमाद के नुस्खे काफ़ी फेमस हैं, बैद कबीर में इसको देख सकते हैं आप। इसमें हल्की मुहल्ल दवाएं भी हैं और हल्के काबिज दवाएं, जैसे पोस्ते अनार है, अबुलास है, गुलनार है, या कभी कभी इसके अंदर मंगजा मलतास को भी शामिल किया गया है। तो मुरक्कबात के अंदर जब हम बात करते हैं कि इसको कहाँ पे कैसे दवाओं को जोड़ना है, तो वो बहुत ज़्यादा क्लासिकल वे में मैं जाता हूँ, क्योंकि मैं क्लासिकल वे को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ बनिस्बत पेशेंट के, क्योंकि आम दवाएं हैं, आम दवाएं हर जगह मिल जाती हैं। इन दवाओं में परफेक्शन आने के बाद या तभी यहाँ तक के अपने आप को महसूस करें कि हाँ भाई इस नुस्खे के अंदर हमको उलट फेर करना है, तब जाके अंदर परफेक्शन आता है कि तब जाके खुद की पेटेंट दवाएं अपने तौर पे मॉलिज अपने तैयार अपनी तैयारी अपने खुद की ओपीडी में करके रखता है। तो इसको मैं कहना चाहूंगा कि इसके अंदर जो दवाएं आती हैं, हब्बेराल का बड़ा अच्छा रोल है, बिलगिरी है, बिलगिरी के मुरब्बा जात है, बिलगिरी का शरबत है, या पुरसे गुलनार है, या जवारिश अनारिन है, जवारिश तबाशीर है, जवारिश जवारिश मस्तगी सादा या बनुस्खा कला, एक हमदर्द की सबसे बेहतरीन दवा आती है इल्दमाली, जिसको मैं बहुत इस्तेमाल कराया हूँ, बड़ा अच्छा रोल है एनी काइंड ऑफ एरिजोगैस्ट्राइटिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस या जिसको हम आईबीएस भी कहते हैं उसके अंदर बड़ा अच्छा रोल है। पुरसे मालती बसंत है, माजुने संगदाना मुर्ग, माजुने संगदाना मुर्ग का एक फेल मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको पैथोलॉजी मिल रही है पैंक्रियास की, गॉल ब्लैडर की और इंटेस्टाइन की, बार दफा मिलती है कि गॉल ब्लैडर स्टोन होता है तकरीबन, वहाँ पे कई लोगों को डायरिया डिसेंट्री के भी चांसेस होते हैं, जिनको रिकरेंस ऑफ टाइफॉइड फीवर होता है, तो वहाँ पे माजुने संगदाना मुर्ग का बड़ा अच्छा रोल है।
हाँ, अगर इंटेस्टाइनल पेन है या कोलिक है वहां पे मिल रहा है ये कैफियत, तो हब्बे हल्टी का बड़ा अच्छा रोल है, लेकिन शर्त यह है कि वहां पे कोई अल्सर्स नहीं होना चाहिए, वरना हब्बे हल्टी का इतना एडवर्स इफेक्ट है अल्सर्स के ऊपर कि मरीज की तबीयत में बिगाड़ आ सकता है। जवारिश अनारिन है, फुरसे पुदीना है, जवारिश पुदीना विलायती है। जवारिश पुदीना का एक अच्छा फेल ये भी है कि हाजिम के साथ साथ इसोफेगाइटिस से लेकर के स्टमक तक बड़ा अच्छा रोल है इसका, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है और वहां से जो रीढ़ी मारते हैं उसको भी खारिज करती है। जवारिश आमला बहुत ही जबरदस्त रोल है इसका, जवारिश आमला का जो एरिजियोगैस्ट्राइटिस है या डायोडिनाइटिस है या डायोडिनल अल्सर है तो उसके अंदर बड़ा अच्छा रोल है, या वो डायरिया जो इंटेस्टाइन की वजह से है या स्टमक की वजह से हो रहा है तो वहां पे भी बड़ा अच्छा रोल है। शर्त ये है कि मिजाज के अंदर हद से ज्यादा बुरुदत नहीं होनी चाहिए, अगर हल्की हरारत है तो वहां पे इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। बनिस्बत जवारिश है मस्तकी बनुस्खा कला, ये अगर हरारत भी बढ़ी हुई है या बुरुदत भी बढ़ी हुई है, इसको अगर शरबत हब्बुलास के साथ या जवार के साथ दे रहे हैं तो ये बैलेंसिंग वाला फार्मूला बनेगा, तो इसको रोकने में बड़ा अच्छा रोल है। एक मामूली मतलब सिंपल सा नुस्खा है साल को रोकने के लिए, हबुलास है, गुले सुरख है, राल है, और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने मुलेठी भी शामिल करता हूँ, गैस्ट्राइटिस में बड़ा अच्छा रोल है इसका। सुकूप को शक्ल में 1/4 या हाफ टी स्पून इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। उसके बाद की कैफियत है जिलकुनामा, जिसको हम आम जबान में बोलते हैं कि मेरे से सॉरी इंटेस्टाइन से कोई गिजा का फिसल जाना, वहां पे भी ये कैफियत जो इंटेस्टाइन की है, अंदरूनी सतह के ऊपर बलगम का या बलगम शोर का पैदा होना, हद से ज्यादा वहाँ का बैलेंस मुतासर होना यानी कि ऊंच नीच होना, वहां पे आपको इंफ्लेमेटरी साइंस मिलेंगे कोलोन के अंदर जिसकी वजह से जोफेमा होगा, वहां का मिजाज जो है वो वहां की कैफियत बदलेगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि टोटली इंटेस्टाइन की जो हिस है, हिस और हरकत है दोनों भी मखलूज होगी, वो तो वहां पे क्रोनिक डायरिया मिलेगा, फिर लास्ट एंड लीस्ट उसको सहज कैफियत जो बोलेंगे सहज एमा जो होते हैं वो कैफियत वहां पे होगी, जो जैसे पैरालिसिस होता है वैसे ही इंटेस्टाइन का पैरालिसिस होगा। ये बहुत ही क्रोनिक और बहुत ही लास्ट स्टेज में होता है ऐसा, कि मरीज की बिल्कुल बार दफा ये भी देखा गया है कि रेक्टम खुला रहता है, कि मरीज का जो खुजला है वो निकलता रहता है कि मरीज को खुद महसूस नहीं होगा, बाद में जिस्म को लगने के बाद महसूस होगा कि हाँ भाई ये कैफियत है कि इंटेस्टाइन से जो खुजला निकल रहा है यानी स्टूल जो पास हो रहा है कि मरीज को विदाउट पेन विदाउट एनी इरिटेशन वहां से पास होगा, ये एंड स्टेज होता है, और जो लास्ट स्टेज होता है जिलकुनामा का, यहाँ पे भी बलगम सफरा सौरा की कैफियत मिलेगी, तो मरीज को अगर देखेंगे पाल्पेशन या परकशन या जो भी स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन करेंगे या लोअर जीआई स्टडी करेंगे कोलोनोस्कोपी करेंगे तो यहाँ पे वो कैफियत सब सारी पूरी कैफियत मिलेंगी। तो यहाँ पे भी हम वही दवाएं इस्तेमाल करेंगे जो लेसदार हो यानी कि उसकी सतह को रोक कर रखने वाली दवाएं हो, जैसा खतीरा है, शास्ता गुंडम है, या चार तुख्म है, तुख्म का नोचा जो फार्मूला है उसका शरबत अंजवार है, या शरबत हबुलास है, या शरबत अनारिन है। अगर इंटेस्टाइन में ज्यादातर हद से ज्यादा अगर इंफेक्टिव या इंफ्लेमेटरी पैथोलॉजी अगर मिल रही है तो कुछ मुहल्लिल दवाएं भी इसको हम इस्तेमाल कराते हैं, जैसे शरबत दीनार है, शरबत कासनी है, अर्कियात के साथ इसको इस्तेमाल कराएं, अर्क मको अर्क कासनी, इतना बेहतरीन रिजल्ट है इसका अर्क मको और अर्क कासनी का कि बॉडी में जहाँ पे भी हम इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो कहीं पे भी हमको अगर इंफ्लेमेटरी साइंस अगर मिल रहे हैं, इंफ्लेमेटरी पैथोलॉजी अगर मिल रही है, अर्क मको अर्क कासनी का बड़ा अच्छा रोल है इसके अंदर। तो यहाँ पे भी हम खुरशे तबाशिर या खुरशे तबाशिर काफूरी या खुरशे काफूर या खुरशे तबाशिर मुरक्कब को हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं दीगर जवारिशात के साथ जैसे मैंने बताया। यहाँ पे अगर ताखून फैला हुआ है या उफूनी डायरिया अगर हो रहा है कि बदबूदार डायरिया अगर हो रहा है तो हम उसको गौर से देखें कि उसका कलर क्या है, अगर कलर
कलर उसका हल्का सुर्ख है, जैसे गोश्त का पानी है जो धोने के बाद जो जैसा कलर होता है, हल्का लीवर को हम जब वॉश करते हैं कोई जानवर के खाने के लिए, जो लीवर को हम जो गोश्त का धोवन जैसा है उस पानी की मुशाबत की गई है, जिसको हरारत जिगर के तहत रखा गया। तो उस कैफियत अगर आ रही है कि स्टूल्स के अंदर तो मरीज को ये सब चीजें महसूस हो रही हैं, तो वहां पे हम हरारत के जिगर के साथ साथ कुछ काबिज दवाओं का भी रोल इसको मिलेगा यहाँ पे इसके अंदर। एक और एक कैफियत होती है इसके अंदर डायरिया, यानी कि सिंपल डायरिया होता है। मरीज को कोई इन्फेक्टिव या इन्फ्लेमेटरी कैफियत मिलेगी, जिसको हम सुसन तारिया कहते हैं यूनानी टिप के अंदर। यहाँ पे भी वही कैफियत है जो अभी मैंने बताया। सुसन तारिया या इसहाल दम्भी जिसको हम कहते हैं, इसके जो यूनानी माने हैं आंतों के जख्म के हैं, यानी कि कोलाइटिस जिसको हम कहते हैं, वो इसके माने हैं। तो यहाँ पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन का दखल है बहुत बड़ा, कि वहाँ की जो साख है चेंज होने लगती है, वहाँ की इन्फ्लेमेटरी साइन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके जो असबाब है वही मिलेंगे जो मैंने अभी कहा, हरारत जिगर मिलेगा, लास्ट केस में या तो लीवर अपसेस होगा या तो कोई और दूसरी इन्फेक्टिव पैथोलॉजी यहाँ पे मिलेगी। हरारत जिगर की यहाँ पे कैफियत मिलेगी, जैसे हाथों पैरों की जलन है या मुंह का मजा कड़वा है या प्यास लग रही है या खुश्की ज्यादा हो रही है, हरारत वाली ज्यादा कैफियत यहाँ पे मिलेगी। ब्लीडिंग डायरिया में जाहिर सी बात है ब्लड कंटेंट स्टूल मिलेंगे, एकदम लूज मिलेंगे, और मरीज को हल्के से लगेगा कि हाँ इंटेस्टाइन में कुछ खराश हो रही है, वो कैफियत इससे मिलेगी। तो हम इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके पता कर सकते हैं कि मेदे का जो है या कपटी का जो है। जाहिर सी बात है अब्डामन का अगर रहा तो अब्डोमिनल साइन सिम्टम्स इसको मिलेंगे, पेन अब्डामन मिलेगा, या ज्यादातर स्टूल जो होंगे वो गिजा के बाद यानी सुबह में होंगे, स्टूल में कोई ऐसे चेंजेस नहीं होंगे जो मेदे से होगा, या थोड़ा सा म्यूकस मिलेगा, या तो अन यूनिफॉर्म्ड या अनइनफॉर्म्ड जो स्टूल का मुकम्मल ना बनना है वो कैफियत यहाँ मिलेगी। बनिस्बत इसके के जो डायरिया लीवर की तरफ से या ब्लीडिंग डायरिया इंटेस्टाइन के पैथोलॉजी की तरफ से है, तो वो फ्यूचर्स वहाँ पे मिलेंगे कि ज्यादातर ब्लीडिंग जो होगी वो फॉल स्मेल होगी, या कभी हल्के से सुर्खी कलर के स्टूल्स होंगे, या कभी येलोइश डायरिया होगा। तो हम इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस के तहत इजीली रूल आउट कर सकते हैं। इसके अंदर भी जो मैंने बताया उसका इलाज वही रहेगा जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, शरबत हबुलास है। बार बार दोहराने का मतलब ये है कि हम इसको जहन से कर लें कि बिल्कुल चंद दवाओं की वजह चंद दवाओं से हम इसको बेहतरीन से बेहतरीन इलाज करते हैं। क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन के अंदर यहाँ तक के भी रिसर्च आई है, अभी मैंने नाम नहीं मालूम वो प्रोडक्ट का, यहाँ तक कि इंसान के स्टूल का एक पार्ट है फेकल मैटर है जो बिल्कुल गैर मुनासिब है, उसके ऊपर रिसर्च करके वो वहाँ का उसको प्रीबायोटिक के जैसा उसको कैप्सूल फॉर्म में बनाया गया है, और वो लोग इसको ट्रायल भी कर चुके हैं वर्ल्ड के अंदर। सबसे पहले ट्रायल इसराइल में हुई है, उसके बाद इंडिया में भी हुई है, और इंडिया के अंदर इंडियन कंपनी कुछ उसके मॉलिक्यूल को तैयार कर रही है। तो मैं उसको या आप लोगों को सबको जनरल प्रैक्टिस में मालूम ही होगा कि लोग आते हैं बताते हैं। तो बरकर तो वहां तक जाने के बाद भी मुकम्मल तौर पे शिफा बख्श जो इलाज है वो नहीं है। बनिस्बत यूनानी के अंदर चंद दवाएं ऐसी हैं जो हम इसको अगर शामिल करें, अगर इसको इलाज करें, तो सिस्टम का भी नाम होगा और खुद का भी नाम होगा और मरीज भी बढ़ेंगे। तो जैसे सिंपल चीजें जैसे मैंने बताया, शरबत खशखाश है, इसके अंदर कभी कभी वो दवाएं जो जिगर के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं उसको भी शामिल किया गया है। पुरसे कोहरबा है, पुरसे हाबिस है, पुरसे बंदिश खून है, जवारिश आमला सादा, जवारिश आमला लुलुवी, जवारिश तबाशिर मुरक्कब,
कुर्सी तबाशीर मुरक्कब, कुर्सी गुलनार या हब्बुल आस, शरबत हब्बुल आस, लुआबदार दवाएं जैसे लुआब बेदाना या मेथी, खसखस थोड़ा सा गर्म पानी में रख के घोल के थोड़ा सा कतेरा गुंद डाल के इसको सुबह के तौर पे इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। तो गिजा और परहेज, आप सब लोगों को मालूम है कि कहाँ पे क्या चीज करना है और क्या चीज को अवॉइड करना है, ये सब आप लोगों को मालूम है। लास्टली मैंने जो डिसेंट्री में एक पार्ट छोड़ा, मैंने बैसिलरी डिसेंट्री के बारे में बोला, ये इसका तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, शिजेलोसिस की वजह से होता है, सॉरी डिसेंट्री जो इन्फेक्टिव पैथोलॉजी की है। ये कॉमनली एनकाउंटर होता है यूनानी प्रैक्टिस के अंदर, डायरिया, डिसेंट्री, कोलाइटिस, ये सब चीज कॉमन है। इसको हम सिंपल दवाओं से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। हब्बे पेच है या हब्बे पेचिश है उसको इस्तेमाल कराएं, अनुष्ठारु सादा या जवारिश आमला सादा, माजुल संगाना मुरहन, ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो रही है तो हम इसको शरबत, बिलगिरी शरबत है जवार के साथ भी इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। ऑलवेज इन्वेस्टिगेशन पार्ट ऑफ व्यू में डायरिया डिसेंट्री की अगर कोई केस अगर आपके पास आ रहा है तो सबसे सिंपल है रूटीन टेस्ट कराने, स्टूल रूटीन एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस। अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो स्टूल कल्चर से मालूम करके फिर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को ले लीजिए, उस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को मिजाज के साथ तशरी करें कि कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आ रहा है और मरीज का मिजाज क्या है। अपने ओपीडी में एक नोट बना लें, उस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के साथ उसका मिजाज रखें, तो आपको फ्यूचर में इतना परफेक्शन आएगा कि इसको ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है तो ये इसका ये मिजाज होगा और इसकी मरकब दवाएं ये होंगी, तो हम इसको इजीली रूल आउट कर सकते हैं। इसके अंदर दवाएं जो है, जो मैं बताया हूँ इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के अंदर, वो दवाओं के ऊपर थोड़ा सा गौर करें और उसके मिजाज को समझें कि कहाँ पे क्या दवाई देना है और कितना अरसा लेना है और कब कौन सी दवा में उलट फेर करना है, मौसम का मिजाज क्या है, माहौल क्या है, गजा क्या है, उसका परहेज क्या है, तो वो हम इसको इजीली रूल आउट कर सकते हैं। ठीक है। एंड लास्टली मैं हब्स के ऊपर बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। हब्स जाहिर सी बात है उम्मुल अमराज है, बीमारियों की शुरुआत यहीं से होती है और इसकी वजह से पूरा जिस्म मुतासिर होता है, यहाँ तक कि मौत भी वाकई होती है। जब हम इसको देखते हैं कि मरीज की गिजा है या उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसको मद्देनजर रखते हुए इसको क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या क्या उसको मिजाज के अंदर क्या हो रहा है, तो वो हिसाब से हम इसको कर सकते हैं कि बाद जगह आईबीएस की भी हिस्ट्री मिलती है। अगर आईबीएस की हिस्ट्री मिल रही है मरीज को, उसके साथ साथ कोई अंडरलाइंग एटियोलॉजी है, कोई दूसरे डिसऑर्डर्स है, थायराइड है या स्ट्रोक हुआ है या कोई किस्म का एक्सीडेंट है या कोई किस्म की आसादी कमजोरी है, तो उसको पहले सबसे पहले रूल आउट कर लें, यानी कि सबब का इजाला करें, आपको रिजल्ट सामने ही मिलेगा। इसमें भी हम फिजा के साथ साथ कुछ ऐसी दवाएं जो मरीज को डिस्टर्ब भी ना करें और उसको इलाज में भी माबूल साबित हो, हल्की सी मुलायम दवाएं दें, मुलायम घटनाएं दें, मगज़े बादाम है, मुनक्खा है, मगज़ मुनक्खा है, किशमिश है, इसको उसको ये करें, अंजीर है इसको शामिल करें, और जो फास्ट फूड जंक फूड वगैरह है सब जानते हैं, सब प्रैक्टिस है माशाल्लाह, सबको मालूम है, वो उसको दूर करें। सिंपल सा एक नुस्खा है जो रूटीनली इसको इस्तेमाल किया जाता है और कई किताबों में भी इसको दर्ज रखा गया है। जैसे मैंने बताया कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में कल हब्बे कबीर नौशादरी और कुर्से तिटकार का बड़ा अच्छा रोल है। उसके साथ साथ अगर आपको खुश्की बहुत ज्यादा लग रही है तो शरबत नीलोफर, शरबत बनफशा इसको इस्तेमाल करा सकते हैं, या
शरबत वर्द मुकर्रर या शरबत वर्द आता वो इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। काफी मुरब्बा जाता है हडीला के मुरब्बात का, इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। त्रिफला का इस्तेमाल करा सकते हैं। त्रिफिल जमानी है, त्रिफिल मुलैन है, शरबत दीनार है, मुरब्बा बिलगिरी सॉरी मुरब्बा हलीला है, तो गुलखंड है, इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। सनामखी, गुले सुर्ख, गुल बनफशा और गुल नीलोफर, इसको इक्वल क्वांटिटी में लें, सुकूप बना के रखें। मरीज के मिजाज के मुआफिक पाव चम्मच या आधा चम्मच के तहत इसको इस्तेमाल करा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर गुले सुर्ख है और गुल बनफशा है जो सनामती का मुसले है, इसलिए इसको सनामती से इरिटेशन होने लगता है, तो ये चीज़ उसके अंदर एज ए मुसले इसको शामिल किया गया है। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था। अगर इसके अंदर अगर किसी को कुछ अगर डाउट रहा तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। आसिफ भाई हेलो 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 हेलो। हेलो, आ रही आवाज? जी हाँ डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ, यहाँ तक आज के टॉपिक में क्लोज करना चाहूंगा। अगर इसके अंदर कोई डाउट्स है तो मोस्ट वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल, अरे सर मोस्ट वेलकम जी। जी 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 बिल्कुल क्लियर है, क्लियर क्लियर। जी बिल्कुल क्लियर क्लियर दिख रहा।
बिल्कुल समझ आ, आसिफ भाई बोर्ड नहीं दिख रहा, बोर्ड नहीं दिख रहा, ब्लैंक हो गया एकदम। जी यस यस यस
दांत या बहुत जबरदस्त आसिफ भाई, माशाल्लाह। हाँ बस मैं ये बोल रहा था कि जैसे अपने मैदे के अंदर चार जो कुवेत बताई है आपने, वो मैदे में भी होते हैं, इंटेस्टाइन में होती है और उसमें होती है, तो फिर इसमें जो चारों कुवेत कुवेतें होती है, तो अगर अपन मानते हैं कि एक कुवत डिस्टर्ब हो गई उसके अंदर से और अपनों ने उसी हिसाब से, हाँ अपने ने उसी हिसाब से उसकी मेडिसिन चूज करके मेडिसिन दी, जैसे सर्द खुश्क वाली जो कुवत है उसके लिए अपना ने गर्म तर दवाई दी, तो वो गर्म तर दवाई दूसरी जो कुवत है उनको डिस्टर्ब नहीं करेगी। जी 30 डिग्री, जी जी ठंडा जी अच्छा जी
ट्यूब। ठीक है बस। आसिफ भाई, एक कॉमन पेडियाट्रिक प्रैक्टिस में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास, जो अक्सर पेडियाट्रिक प्रैक्टिस में देखते हैं, इंटेस्टाइनल डायरिया जो बच्चों में होता है ना, जो टीथिंग डायरिया भी बोलते हैं, जो बच्चों को दांत निकलने के टाइम पे लूज स्टूल्स होते हैं ना, ठीक है, वो भी एक किस्म की कुव्वत पाई जाती है जो मसोड़ों में होती है। ठीक है, उस कुव्वत मैं उसका तफसील आपको किताब के रेफरेंस के साथ बताऊंगा कि उसकी वजह से ये टीपरिंग डायरिया कहा गया है। ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो इजिप्ट इजिप्ट का ऑप्शन ऑप्शन ये सॉरी ये कहते हैं उसको, वो हमारा यानी यूनानी का नजरिया है, वो इजिप्शियन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब से दुनिया में इंसान की पैदाइश है उसके बाद से लेकर के जब से इंसान के अंदर जब कुव्वत यानी कि दिमागी नफ्सियाती कैफियत जो समझने का दारो मदार रहा, तब से ये कैफियत पाई जाती है कि बच्चों को दांत निकलते वक्त लूज स्टूल्स होते हैं। इसका सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है बेलगिरी और हबुलास, या तो सुफूफ करके रख के दो दो चुटकी तीनों टाइम थोड़े से शहद में मिला के पिलाएं। बिलो अगर 6 मंथ है, अबाउ 6 मंथ अगर है तो पानी में घोल के पिला सकते हैं, या अगर शरबत बेलगिरी या शरबत हबुलास है थोड़ा थोड़ा मिक्स करके इसको भी अगर देंगे डोसेज के हिसाब से, अपना यूनानी का जो स्टैंडर्ड डोसेज है, इंशाल्लाह कभी दिन उसमें बात करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा चटा दें बच्चे को, तो 2-3 डोज में ही आराम मिलेगा। पर इस बार इससे के बच्चे को आईसीयू के अंदर पहुंचा देते हैं लोग, देखा हूं मैं और आप लोग भी देखे होंगे। सिर्फ एक डोज काफी है, शरबत बेलगिरी, शरबत हबुलास, शरबत नारिन, तीनों में आपके पास जो मयसर हो, या तीनों अगर हो तो थोड़ा थोड़ा मिक्स करके डालें, या थोड़ा अपने तजुर्बात अपने अपने मतलब के हिसाब से करते रहें और बच्चे को उसकी एज के हिसाब से मुनासिब डोसेज को तयन करके दें, तो इंशाल्लाह बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है। और दूसरी चीज, जो बच्चे का हाजरा खराब रहता हो, बार बार उल्टी करता हो, बार बार दस्त करता हो, इसके साथ अगर थोड़ी अगर हब्बे नरकचूर का अगर इसको इस्तेमाल किया जाए, या सुबह चुटकी का अगर इसको इस्तेमाल किया जाए, तो बड़ा जबरदस्त रोल है। आसिफ भाई, ऐसे ऐसे चुटकुलों के तजुर्बात ऐसे ऐसे हैं जो इंसानी जान भी बचा सकती है, पैसा वक्त सब बचा सकते हैं, और अपना अपना नाम अपने सिस्टम का नाम अपना होगा। या दूसरी चीज मैं एक बात बताना चाहूंगा, कोई ऐसा माजून है या कोई ऐसा जवारिश है जो बच्चों में देना चाहे, बच्चे की उम्र छोटी है, तो हम वो अडल्ट डोज के हिसाब से उसको कम नहीं कर सकते, तो जितना डोज बच्चे को देना चाह रहे हैं वो डोज निकाल लीजिए, उसको शहद ऐड कर दीजिए 3 गुना 4 गुना 5 गुना, उसको अच्छे से घोल के और घोल के लेने के लिए बोलिए, ताकि उसको वो डोज भी बराबर जाए और आपका नुस्खा भी बराबर उसको उम्र के अंदर मुकम्मल साबित हो। डॉक्टर भानुसर से जानना चाहूंगा, जैसे उन्होंने कल की क्लास में बताया था सोयल मिजाज आ रहे के बारे में, तो उन्होंने ये बताया था सोयल मिजाज आ रहे तो सादा जिसमें मुंह से लार ज्यादा आती है, गर्मी की मतलब प्यास ज्यादा लगती है, तो उसमें अपन जैसे दबी दुलवर और मस्तगी ये देखते हैं, तो उसका उल्टा एक और था सोयल मिजाज बारिद या बिस, तो बारिश या बिस में पेशेंट के क्या मतलब वो कंप्लेंट रहेगी? सुनिए मिजाज, हेलो, बारिश या बिस में पेशेंट की क्या कंप्लेंट रहेगी? सिंपल, अगर उसका मिजाज अगर होगा तो पेट में बोझ होगा उसको, हजम जोफे हजम की शिकायत मिलेंगी कि खाना उसको बराबर से ठीक हजम नहीं होगा, या इसका एक खास सिम्टम है खाने के बाद पेन अब्डोमन होगा उसको, पोस्टप्रांडियल गैस्ट्रल्जिया जिसको हम कहते हैं। अच्छा, अगर ये एक्सट्रीम कंडीशन में अगर जाएगा
तो इतना ज्यादा कुली पेन होगा उसको कि लोग समझेंगे या आप समझेंगे कि अपेंडिसाइटिस होगा, इसको अपेंडिक्स फट जाएगा। लेकिन ऐसे केसेस में हल्की हाजिम दवाओं का इस्तेमाल किया, अर्थात को ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। क्लियर हुआ ना? जी देखिए, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना कोई भी चीज का, सिर्फ दो चीज को पकड़ लो पहले, हार हार या बारिश, हार या बारिश, दो ही चीज को जी पकड़ लीजिए आप, जी ठीक है? उसके बाद आसिफ भाई ने जो बताया ना अभी स्टमक का डायग्राम डाल के और कैफियत का, उसको अगर समझ लेंगे तो यूनानी के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बन जाएंगे आप। सब चीज उसी के अंदर है, सब चीज उसी के अंदर है। जी सारा खेल हार रतब बारी दिया, अभी इसका खेल है। इसके हिसाब से डिफरेंशिएट कर लें, इसके हिसाब से अद्वियात आपको तय्यून करें। अर्कियात है, माजून है, खमीर आ जाता है, सुकूफ है, हबूब है, पुरस है, जो भी है आप इसको मिजाज की शक्ल में देखिए। मतलब उसी को कहते हैं जो खलीलुल अज्जा तफसीरुल फवाइद जिसको हम कहते हैं, यानी कि आपके पास 8-10 दवाएं हैं और इसका इलाज आप बड़े से बड़ी बीमारियों का आसानी से किया जाए, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस करें, ठीक जी सर। है? और कोई सवाल? आसिफ भाई को कहीं देर हो रहा है? जी, चलिए आसिफ भाई के भी कुछ क्लासेस मसरूफियात है, इंशाल्लाह अगर कोई और क्वेरीज होंगी तो ग्रुप में मैसेज करिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसको सुलझाने की। जी शुक्रिया सर। ओके, वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग।